कुल्लू जिला में गत दिनों ब्यास नदी के किनारे सेल्फी लेते हुए 11 साल के बच्चे के बहने का मामला सामने आया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम को नदी के किनारे हादसों के बारे में जानकारी देने संबंधित बोर्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही टैक्सी चालकों, होटलर्स और गाइड्स को भी पर्यटकों को नदी के खतरे के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। कुल्लू जिला में गत दिनों ब्यास नदी के किनारे सेल्फी लेते हुए 11 साल के बच्चे के बहने का मामला सामने आया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम को नदी के किनारे हादसों के बारे में जानकारी देने संबंधी बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही टैक्सी चालकों, होटलियर्स और गाइड्स को भी पर्यटकों को नदियों के खतरों के बारे में जानकारी देने को कहा है। अधिकतर पर्यटकों को यहाँ की नदियों के बहाव की जानकारी नहीं होती है और फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया में अपनी सेल्फी डालने के क्रेज में हादसे का शिकार होते हैं। यही कारण है कि कई लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी लोग नदी के किनारे जाने से नहीं मानते हैं और सेल्फी या फिर गर्मी के कारण नदी के ठंडे पानी में पांव डालकर वहीं पर बैठ जाना उचित समझते हैं। कुछ ऐसी ही सेल्फी की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मंडी के ब्यास नदी में कुछ लड़के नहाते हुए बीच नदी में अपने फोन से सेल्फी ले रहे हैं, जो हमने अपने कैमरे में सेल्फी लेते हुए कैद कर लिए। जैसे ही उनको कैमरा दिखा, ब्यास नदी से 9-11 हो गए। ब्यास नदी का जल स्तर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके लोग अपनी एक सेल्फी के लिए अपनी जान तक से हाथ धो बैठते हैं। अब ऐसे में लोग अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होते हैं या फिर उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होता है। वहीं जब जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम श्रवण मांडा से इस मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में नदियों के जल स्तर निरंतर बढ़ता रहता है। श्रवण मांडा ने कहा कि बरसात को लेकर कोई अनहोनी दुर्घटना ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पहले भी कई कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने नदी के किनारे होल्डर लगा रखे हैं। श्रवण मांडा ने कहा कि जिला प्रशासन बरसात को देखते हुए और भी कई प्रभावी कदम उठाने जा रहा है। जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि बरसात में नदियों का जल स्तर बढ़ने से कोई अनहोनी घटना ना हो, पर लोगों का भी दायित्व बनता है कि वे भी नदी किनारे सेल्फी लेने के बजाय जिला प्रशासन का सहयोग करें। जैसा कि बरसात के दिनों में जल स्तर बढ़ने की संभावना काफी रहती है और कोई दुर्घटना ना हो, इससे निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से भी काफ़ी प्रभावी कदम उठाए हैं और इस बार भी डैम अथॉरिटीज़ के साथ हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है, जहां से एडवांस में जो है जब भी जलस्तर बढ़ता है हम इंफॉर्मेशन जो है हमारा जो एसटी है उसी के हिसाब से हम जो है दे देते हैं। और साथ में जहां जहां भी हमारे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर लोगों का जाने का अंदेशा जो रहता है वहाँ पर हमने सूचना पट भी लगाए, परंतु फिर भी सूचनाएँ मिलती है कि कई जगह कुछ बाहर से आए हुए टूरिस्ट वगैरह जो है नदियों के पास जाके जो है कोई पानी के नज़दीक जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी हमने जो है काफ़ी मुस्तैदी से जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे केसेस में जो है पुलिस के थ्रू और लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू भी वहाँ पे जाके जो है उन लोगों को जो है दिशा निर्देश दें और वो वहाँ ऐसा ना करें, और बोर्ड भी हमने स्थापित किए हैं। अगर फिर भी ऐसे मामले कोई आते हैं तो हम जो है और प्रभावी ढंग से जो है ऐसे जो कोई इस तरह के जो है मामले आते हैं उनको निपटने की कोशिश करें।